दर्द सर 5-6 साल पहले शुरू हुआ, बहुत पुराना दर्द था, बहुत तेज हुआ था। वहाँ न्यूरोसर्जन को भी दिखाया और लोगों को दिखाया ना, दिखाने पे जो दवा दी गई पर दर्द ठीक ही नहीं हुआ, कभी बंद ही नहीं हुआ। 1 महीने से बहुत अधिक बढ़ गया, उन दवाओं ने काम करना बंद कर दिया। 1 महीने से चलने में इसमें पैर में कमजोरी नहीं, 2 मीटर नहीं चल पा रहा। सर जब सर्जरी मेरी हो चलाया गया तो मैं बिल्कुल फिट था, मेरा दर्द गायब था, मैं चल फिर सकता था, खड़े भी हो सकता था। मैं बेहोशी से सर डर लगता था, ये नहीं पता कि इंजेक्शन कब लगाया गया, कब इंडोस्कोप डाला गया, हमें तो कोई चीज का पता नहीं। बहुत प्रसन्न चित आपसे बातचीत करते रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने सिर्फ 0.5 सेंटीमीटर का हड्डी वही आपने इंसिजन दिया, आपने एंडोस्कोप डाला, आगे सर्जरी परफॉर्म करी, मुझे बहुत अच्छा लगा और काफी कुछ सीखने को भी मिला मुझे आपसे। मुझे कोई टेंशन नहीं थी और बहुत ही इजी है, बहुत ही मुझे लग रहा है कि जो जनरल सर्जरी है ना वो इससे और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। एंडोस्कोप में जाते हैं हार्डली 0.5 mm का इंसिजन, बहुत इजी हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती पेशेंट को, एकदम कंफर्टेबली। एंडोस्कोपी एक लोकल एनेस्थीसिया के साथ होती है, छोटा सा सुन करने वाला इंजेक्शन लगता है, वो भी पता नहीं लगता, जिसमें ज्यादा ज्यादा 30-35 मिनट का समय लगता है। मरीज तुरंत से दर्द गायब हो जाता है, तुरंत से उठकर चल देता है। किसी को डरना नहीं चाहिए। आज बहुत अच्छा दिन है क्योंकि एक तो आज छोटी दिवाली है ना, जी सर। और मैं एक डॉक्टर हूँ और 2 डॉक्टरों के बीच में खड़ा हूँ है ना, तो डॉक्टर अनुज हैं और डॉक्टर अवधेश जी हैं, ये पिता हैं, ये पुत्र हैं, दोनों लोग डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब मेरे पास आए थे काफी दर्द के साथ, जी सर। तो आपके दर्द कैसे शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ कुछ बताइए। दर्द सर 5-6 साल पहले शुरू हुआ और बहुत पुराना दर्द था, बहुत तेज हुआ था। वहाँ न्यूरोसर्जन को भी दिखाया और न्यूरोसर्जन को दिखाया और मतलब और लोगों को दिखाया ना, दिखाने पे जो दवा दी गई तो वही दवा दी गई, ब्रिगावालिन वगैरह है, न्यूकोक्सिया एमआर है, रेनबिस्टेराइड मुझे बहुत दी गई। सबसे बड़ी बात ये थी पर दर्द कम हो गया, पर दर्द ठीक ही नहीं हुआ, कभी बंद ही नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। हाँ, और करीब 1 महीने से बहुत अधिक बढ़ गया, उन दवाओं ने काम करना बंद। मतलब इतने साल डॉक्टर साहब दवाई लेनी पड़ी, जी सर, और उसके बावजूद दर्द नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। 1 महीने से तो मतलब चलने में भी, हाँ चलने, 1 महीने से चलने में इसमें पैर में कमजोरी हुआ, फुट हाँ लेग में फुट भी क्या था, मतलब फुट ड्रॉप आ रहा था। लेकिन ये बताइए डॉक्टर साहब, जैसे अभी जब आए थे मेरे पास कल तक, तो कितनी देर खड़े रह पा रहे थे? 5 मिनट भी नहीं सर, 5 मिनट खड़े नहीं रह पा रहे, नहीं रह पा रहे थे। और कितना किलोमीटर चल पा रहे? अरे कितना किलोमीटर नहीं, 2 मीटर नहीं चल पा रहे। अच्छा मतलब बिल्कुल कुछ कदम नहीं, नहीं चलना भी बड़ी दिक्कत आ रही थी, मतलब काफी स्थिति खराब थी, परेशान थे। सर बहुत स्थिति खराब। अच्छा तो सर जब आए काफी दर्द में थे और पहले डॉक्टर साहब आए, एक्चुअली डॉक्टर साहब पहले ओपीडी में मिले और मैंने सर को बोला कि सर ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर साहब ने ये रिक्वेस्ट करी कि बस दिवाली अच्छी मनवा दो, दिवाली से पहले ही कर दो। थोड़ा शेड्यूल टाइट था लेकिन सर क्योंकि एक तो डॉक्टर हैं तो बहुत दिल में रिस्पेक्ट होती है और सर सीनियर हैं तो सीनियर के लिए तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है। मैंने कहा सर आप कोई नहीं टाइम निकाल के करते हैं। कल ये सर्जरी किया है और सर कल से और आज में क्या फर्क लगता है? सर जब सर्जरी मेरी हो गई उसके 3 घंटे बाद, हाँ 3 क्या 11 बजे 11:30 बजे मेरी सर्जरी जो है समाप्त हो गई थी। उसके बाद जब मुझे 4:30 बजे जब चलाया गया तो मैं बिल्कुल फिट था, मेरा दर्द गायब था, मैं चल फिर सकता था, खड़े भी हो सकता था और आज भी देखो खड़े हैं। इतनी देर खड़े रहना? हाँ नहीं इतनी देर नहीं, 2 मिनट नहीं, दो खड़े, कोई खास बात नहीं, कोई खास बात नहीं खड़े। डॉक्टर साहब अच्छा और सबसे अच्छी बात क्या थी कि ऑपरेशन थिएटर में क्योंकि दोनों लोग डॉक्टर हैं तो मैंने सर को भी इनवाइट किया कि सर आप भी आ जाओ। तो ये बताइए डॉक्टर साहब कि जैसे बिना बेहोशी के सर्जरी हुई, जी सर, तो आप ये नहीं चाह रहे थे कि बेहोशी वाली हो, जी सर, क्या मन में बात थी बताइए कुछ? नहीं हमें बेहोशी से सर डर लगता था, हाँ। जो ये मतलब जनरल एनेस्थीसिया है, हाँ। उसमें इंटुबेट करना पड़ता है, वेंटिलेटर पर डालना पड़ता है और फिर पहली बार किसी को एनेस्थीसिया दवा के बारे में क्या कहा जा सकता है या क्या कर सकती है, 1 दिन के अलावा 4 दिन भी हो सकता है। एग्जैक्टली, ये कोई जरूरी नहीं, मतलब दवाई, इसलिए मैं कंफर्टेबल नहीं था उसके लिए, हाँ। जी सर तो मुझे लोकल सर्जरी में पता ही नहीं लगा, तो लोकल एनेस्थीसिया में कोई डर नहीं? नहीं कोई उसमें डर क्या होता है, उसमें तो पता ही नहीं लगा इंजेक्शन कब लगाया गया। अच्छा कोई पता नहीं, ये नहीं पता कि इंजेक्शन कब लगाया गया, कब इंडोस्कोप डाला गया, हमें तो कोई चीज का पता नहीं। बहुत प्रसन्न चित आपसे बातचीत करते रहे। अच्छा डॉक्टर साहब आप तो क्योंकि इतनी सर्जरीज देखते हैं,
आप तो ऑलरेडी अपने प्रोफेशन में बहुत सर्जरी, तो आप पहली बार स्पाइन ओटी में आए, तो हाँ। आपका क्या क्या आपको डिफरेंट लगा नॉर्मल ओटी से, क्या आपका एक्सपीरियंस है, क्या लग रहा था? जब मैं नॉर्मल ओटीज में जाता हूँ जनरल सर्जरी की, तो उसमें क्या होता है कि स्पाइनल लगाते हैं, लंबा सा इंसिजन देते हैं, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कभी-कभी जैसे रिक्वायरमेंट है। बट जब हम आपके साथ में गया, आपकी ओटी में मैं गया स्पाइन सर्जरी देखने, मेरा भी पहला एक्सपोजर था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने सिर्फ आधे सेंटीमीटर का हार्डली मुझे वही आपने सीजन दिया और आपने एंडोस्कोप डाला, आगे सर्जरी परफॉर्म करी, मुझे बहुत अच्छा लगा और काफी कुछ सीखने को भी मिला मुझे आपसे, है ना। मतलब आपको ये लगा कि बहुत, मतलब जैसे लोग जो डरते हैं या जैसे कि मतलब एक हवा है ना कि स्पाइन सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल भी आपके फादर पे हो रही थी, तो आपको टेंशन नहीं? नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं थी और बहुत ही इजी है, बहुत ही मुझे लग रहा है कि जो जनरल सर्जरी है ना वो इसे और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें हम इंसिजन देते हैं 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर या और भी सर्जरीज है, ओपन सर्जरी, जब हम एंडोस्कोप में जाते हैं हार्डली आधे एमएम का इंसिजन है, बहुत इजी हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती पेशेंट को, एकदम कम्फर्टेबली। और सर इतने अच्छे हैं, सब बहुत बढ़िया से कर देते हैं और मैं थैंकफुल हूँ सर का, डॉक्टर देवाशीष सर का, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत जल्दी डेट दी और बहुत जल्दी बहुत अच्छे से उन्होंने सर्जरी परफॉर्म कर दी। ये तो सर प्रेम है, और देखिए सर के लिए नहीं डेट देते तो किसके लिए और आज छोटी दिवाली है, सर की छुट्टी हो रही है, तो दिवाली में आप सर बिना दर्द के चलेंगे, हाँ, और घूमेंगे, ये सोच के मेरा दिल खुल कर दिया है। और एक डॉक्टर को ठीक करने का सर एक बात और भी पता है, देखिए सर अगर आप ठीक होते तो कितने लोगों को आप ठीक कर देंगे, है ना। घर का मेन मुखिया नहीं चल पाता है तो उससे दिक्कतें आती है और पूरे घर में आती है, पूरे दिखते हैं, बहुत संतुष्टि हो रही है सर। और आप तो इतने सीनियर हैं, आपसे तो बस आशीर्वाद मांगेंगे सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, खुश हैं, संतुष्ट हैं सर, खुश है, ठीक है। क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो आप दोनों लोगों से मैं चाहता हूँ कि अगर कोई जो इंसान डरता हो उसको एज ए डॉक्टर आप एंडोस्कोपी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? उसको ये बताया, उन लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि एंडोस्कोपी एक मतलब लोकल एनेस्थिया के साथ होती है, केवल एक छोटा सा सुन करने वाला इंजेक्शन लगता है, वो भी पता नहीं लगता, और उसके बाद एंडोस्कोप द्वारा उसकी सर्जरी की जाती है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 30-35 मिनट का समय लगता है, मरीज तुरंत से दर्द गायब हो जाता है, तुरंत से उठकर चल देता है। किसी को डरना नहीं चाहिए, एंडोस्कोपी एक ऐसी हाई टेक्नोलॉजी है, डरना नहीं चाहिए जिससे, और जो इस चीज से टाइट का वगैरह है, सिर्फ डिस्क है, जो चीजें पैर में दर्द जाता है, पैर में सुन्नाहट है, दोनों पैरों में दर्द जाता है, वो 5-6 महीने तो दवा खा सकते हैं, अगर उसका दर्द नहीं जाता है तो यही एक ऑप्शन है। वो मेरे देवर्ष डॉक्टर देवर्ष से मिलकर अपनी सर्जरी कराए, उसमें कोई डर नहीं है। बड़ी सही बात सर ने बहुत सही बात कही, ये मैं अपने वीडियोस में ज्यादातर बताता हूँ कि देखो 2-4, 6-8 महीने आप दवाई खा लो, लेकिन इसके बाद वो सिर्फ नुकसान देती है, नुकसान देती है, और जैसे डॉक्टर साहब का काम नहीं करने लगी दवाई, तो ऐसी स्थिति ना बने, करवा ले इलाज, तो ज्यादा बेहतर है। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, आपने हमें इस लाइक समझा, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। Thank you.